कार खबर जयपुर से। कालवाड़ रोड जयपुर अंसल सुशांत सिटी द्वितीय माछवा स्थित विश्वकर्मा मैरिज गार्डन में श्री क्षेत्रीय युवक संघ की मासिक विचार सभा आयोजित की गई। आज की सभा में धर्म रक्षक महान योद्धा आमेर नरेश मान सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मान महिमा पुस्तक के लेखक नरेंद्र सिंह निमेड़ा ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संघ की विचारधारा के अनुरूप समाज हित के विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जयवर्धन सिंह, रिटायर्ड कर्नल केसरी सिंह, शिविर प्रमुख गजेंद्र सिंह आऊ, मनोज सिंह जालिम काबाज, परवीन सिंह व बजरंग सिंह सुल्ताना सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम में नारी शक्ति की गरिमा में उपस्थिति रही, जो समाज में नई चेतना जागृत करने का सुखद संदेश दे रही है। आज के कार्यक्रम का मंच संचालन जयपुर संभाग प्रमुख राजेंद्र सिंह बोबासर द्वारा किया गया। जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत की यह रिपोर्ट। शुभ रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म में असंस्कारित है, क्योंकि वो नेता सिर्फ एक समाज का नहीं है। इसलिए उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने समाज और परिवार की बात करते हैं। हमारे नेता भी रहते हैं पद पे, और उसके बाद ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि अनुभव लेकर के आते हैं सत्ता का, और जब अनुभव लेकर के आते हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन यदि वो नेता है, चुने गए जनप्रतिनिधि है, तो सिर्फ राजपूतों के नहीं है, और ये संस्कार हमारे राजपूत खून नहीं है कि हम सिर्फ एक जाति से चुन के नहीं गए, अन्य लोग करते हैं, उनका लोग अनुसरण भी करते हैं, ये उचित नहीं मानते हैं। एजुकेशन की बात करें तो समाज एजुकेशन में किस ओर जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन जो आजकल की स्कूली विद्या है या कॉलेज की पढ़ाई है, इसी सब समाज के साथ हमारे समाज भी आगे बढ़ रहा है। सभी लोग पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, और जो नैतिक शिक्षा है इसका अभाव सभी अनुभव करते हैं, पूरा भारतवर्ष अनुभव कर रहा है। जैसे जैसे घटनाएँ आगे बढ़ती है, शिक्षा के शिक्षक होना चाहिए, गिरावट आई है। बाकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। साधारण जो हमारे समाज बैठा है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जो चरित्र निर्माण की बात है और है उसकी मूर्ति के लिए सर्वेक्षण बना है, ताकि वो शिक्षा देख सके। नारी शक्ति को पहला संदेश यह है, सर्वप्रथम प्रकृति ने उनका जो निर्माण किया है वह है अच्छी गृहिणी बनना, अपने सास ससुर, अपने माता पिता के रहे जब तक घर पे वहाँ पर, अपने पति और बच्चों के देवर जेठ के साथ इतना प्रेम से रहे कि जो आज विखंडन हो रहा है वह दूर करें। दूसरा उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो आज तक रोगियाँ हैं, या ये सेकेंड होना चाहिए, फर्स्ट है अच्छी गृहिणी बने। और ऐसे युवाओं के लिए यह है कि सर्वप्रथम जिस वंश परंपरा से हमारे हैं, जिस इतिहास से हमारा संबंध है, उसको हमेशा अपने जहन में रखे, ताकि ये ना हो कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे पुरखों को तो अच्छा बताए और हमारी पीढ़ी को अच्छा ना बताए, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये युवा इस शिक्षण पे चलें, तभी आने वाले समय में हमें भी याद किया जाएगा और पुरखों को भी याद किया जाएगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे, जिस समय आप स्पीच दे रहे थे, मुझे आपकी स्पीच से लगा कि आप मजे हुए वकील हो, क्या हाल बात कर सकते हैं? Thank you.
शत प्रतिशत मतदान की बात की जा रही है, कि हमारा हर वोटर आइडेंटिफाई हो और उसका वोट लगे, अगर गांव में तो गांव में लगे, शहर में शहर में लगे। तो इस मुहिम को भी हम चला रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आप ये मानिए कि चुनाव आयोग को हम असिस्ट कर रहे हैं हमारे प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से, कि हर सिटीजन, हर नागरिक वोट करे, शत प्रतिशत मतदान करे। तो मतदान जब बढ़ेगा तो लोकतंत्र में स्वस्थ आए। आप जिस समय स्पीच दे रहे थे, एक महिलाओं के नंबर बता रहे थे, एक और फ्री नंबर बता रहे थे, चैनल के माध्यम से भी आप बता दीजिए। जी, राजस्थान संपर्क का नंबर है 181। राजस्थान संपर्क पर आप दो तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप ऑनलाइन जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं राजस्थान संपर्क, अगर आप गूगल पर टाइप करें राजस्थान संपर्क का गूगल मिल जाएगा। और अगर आपके पास साधारण फ़ोन है, चाहे स्मार्टफोन भी नहीं है, तो केवल 181 181 नंबर आप दबाएंगे, कॉल सेंटर में घंटी जाएगी, वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे और आपकी समस्या पूछेंगे। वो समस्या वहाँ दर्ज हो जाएगी, संबंधित कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर संबंधित विभाग को भेजेंगे। आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत कहाँ पहुँची है। इसको अगर तहसीलदार के लेवल की, तहसीलदार के पास पहुँचेगी, जेएन के लेवल की, जेएन के पास पहुँचेगी। जो साधारण काम है, जिनके लिए हम किसी नेता को या किसी घर के बुजुर्ग को हम बोलते हैं, तो मातृशक्ति हालांकि है सबके लिए, पुरुष भी और महिलाओं के लिए, लेकिन मातृशक्ति के लिए ज़्यादा काम की चीज़ है कि अगर वो 181 को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले तो उनमें भी एक लगेगा, उनमें एक नागरिक का भाव उत्पन्न होगा कि वो भी एक स्टेक होल्डर है, बराबर की स्टेक होल्डर है, और उनके पास भी व्यवस्था से काम करवाने का तरीका है। तो 181 एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हर नागरिक को काम मिलना चाहिए। सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत क्षत्रिय सिर्फ वही है जो त्याग की भावना रखे, और आप अपन को भगवान ने सिर्फ इसलिए ही भेजा है कि हम राजपूत सिर्फ त्याग की भावना के लिए ही इस धरती में जन्म लेते हैं। और मैं छोटे से उम्र से मतलब संघ से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे पता चला है कि क्षत्रिय और राजपूत में फर्क है, और जो क्षत्रिय और संघ के अंदर जो भी कार्य करवाए जाते हैं, शिविर होते हैं हमारे, जो भी उसमें मैं हमेशा भाग लेती हूँ, और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं हमेशा मेरे राजपूत समाज के लिए आगे से आगे खड़ी रहूँ, और हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य ज़रूर करूँ जिसमें हमारा राजपूत समाज और हमारा इतिहास को आगे से आगे देखा जाए। जैसे हमने देखा था हीरक जयंती, हीरक जयंती में कई लोग आए थे कि हाँ भाई राजपूत जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए गई थी क्योंकि हमारे एक राजपूत समाज का सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, हमें पता था बहुत सारे लोग हमारे इकट्ठे हुए हैं, अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा किसी को पता नहीं था कि राजपूत सब एक सोचते टूटे हुए हैं, और ये बात है टूटे हुए रहते हैं, लेकिन जब हमने हीरक जयंती में हमारे स्थान पर हम लोग जब इकट्ठे हुए थे, तो हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हाँ मैं मेरे खुद पर इतना गर्व फील करती हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं क्षत्रिय और संघ श्री पूज्य तन सिंह जी के संघ में जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। जी, तो महिला शक्ति जो नारी शक्ति है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? चलो भाई, मेरी जहाँ तक मानना है कि महिला शक्ति किसी से कमजोर नहीं होती, महिला वो शक्ति है जैसे माँ भारती का रूप धारण कर लेना, तो महिला शक्ति किसी से भी कम नहीं है। महिला का मुकाबला साइन कोई दुरुस्त कर भी नहीं सकता, क्योंकि महिला हर एक क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही है। कोई भी क्षेत्र देख लो, हर एक क्षेत्र में आज महिला अपना बहुत अच्छा योगदान दे रही है। तो ये है कि आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसमें समाज की कन्या उनको पढ़ाई कम करवाई जाती है लड़कों के पेक्षा, इस पर क्या कहना चाहूँगा? उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको हमारे समाज में ये सुधारना बहुत जरूरी है। आपकी बात सत्य है कि अब लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई कराई जाती है, लड़कियों को कम, और अब तो धीरे धीरे ये काफ़ी सुधार होने लगा है, लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे छोटे छोटे गाँव है की। आगे बात करें दहेज की, जब बच्चे की शादी की जाती है तो लड़के की तरफ से दहेज मांगा जाता है, और पुरुष ज़्यादातर इस पर ये कहते हैं कि दहेज हमें नहीं चाहिए, जो घर की महिलाएं हैं उनकी डिमांड है कि दो हाथों का गहना चाहिए या गाड़ी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि दहेज के मामले में हम पुरुषों को दोष नहीं दे सकते। मेरा मतलब मेरी सोच और मैं एक महिला हूँ, और तो मैं खुद कहती हूँ कि हम महिला जब तक नहीं सुनेंगे इस दहेज के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मतलब पुरुषों को दोष ही नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुष तो उसको महिला कहती उसकी बहू के दो हाथ का कहना आया तो मेरी बहू के भी आना चाहिए, ये सबसे एक महिला।
सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैं कहती हूँ कि पहले महिला कुछ मतलब सही इस बात को सोचो कि हमें आप किसी के, मैं भी एक बना ने बताया था कि किसी के शादी हो रही है तो आप संपूर्णी देखने मत जाओ, तो वही बात है कि हम संपूर्णी देखने नहीं जाएंगे ना तो कोई दहेज नहीं देगा आपकी बेटी को। नहीं संपूर्णी की बात तो है, या ऐसा होता है कि बहू अपने मायके से ससुराल आती है तब कह रही कितने क्या कुछ बहस लेके आई है, चलो बहस देखने चाहते हैं, तो ये एक रिवाज है, ये किस प्रकार ये बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं ये बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा जी, ये हमारे समाज की सबसे काय ले रही है जी, तो ये उसको एक शर्म महसूस होती है कि यार मेरे माँ बाप के पास कुछ लेने के लिए नहीं तो मैं इनको क्या दिखाऊँ, तो ये है कि महिलाओं की कह रही हूँ कि हमें बहुत इस चीज़ की शर्म महसूस होती है, तो सबसे ज़्यादा हम पहले इसके बारे में क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में महिलाओं को सुधरने की जरूरत है। नहीं महिलाओं को आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए कि ऐसे वो मैच देखने के लिए संतुलन देखने के लिए चाहे या नहीं चाहे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहती हूँ चाहे किसी की बहू आए चाहे किसी की बेटी आए, प्लीज आप मत जाओ उनको कि वो क्या लेके आई है जी, वो उसका है कि वो क्या लेके आई है क्या नहीं लेके आई है, वो उसका मम्मी पापा हो जाने पर कोई मतलब नहीं कि वो क्या लेके आए, जितना उनके पास था अगर जाओ भी तो यहाँ बेटा अच्छा लेके आए, उससे ज़्यादा आप कुछ मत बोलो, उसको एक शर्म महसूस मत करो, और इसी से ही हमारे समाज को सुधार मिले क्योंकि पहले हमें खुद को सुधरने की जरूरत है। ओके आपको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।